और अब हम आपको दिखाते हैं अजमेर की रात की सुरक्षा के हालात। जब हमारी टीम ने अजमेर में सुरक्षा के मामले पर तहकीकात की तो यहाँ भी पुलिस की कोई नाकेबंदी नजर नहीं आई। वहीं सामने आया कि पुलिस के चुनाव में व्यस्त रहने पर तमाम सुरक्षा मामलों को भी ताक पर रख दिया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ अलर्ट जारी कर रखा है। हम इस लिए यहाँ पर शहर में रात को निकले हैं सुरक्षा का जायजा लेने। ये है जयपुर रोड, यहाँ पर जयपुर से आने वाली तमाम गाड़ियाँ जो है शहर के अंदर जाती है, और यहाँ पर जो सिविल लाइंस थाना है यहाँ पर अमूमन जो है 26 जनवरी से 3-4 दिन पहले तक यहाँ पर नाकेबंदी यहाँ पर की जाती रही थी, लेकिन यहाँ पर आज जो है कोई पुलिस वाला जो है दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह मानी जा रही है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वहाँ पर पुलिस जो है व्यस्त नज़र आ रही है, लेकिन शहर की जो अगर सुरक्षा की बात करें तो शहर में आने वाली तमाम सीमाओं पर जो है कोई नाकेबंदी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्वच्छ शहर के अंदर भी जो रात्रि गश्त जो पुलिस को देनी चाहिए थी वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात का जो समय है यहाँ पर भगवान भरोसे है, जबकि पुलिस जो है वो पंचायत चुनाव में व्यस्त है। कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।